हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। एंड गाइस, टुडेस सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वी आर डिस्कसिंग टॉपिक्स लाइक नेचर इंडेक्स 2020, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है नेचर इंडेक्स, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग सहकार मित्र स्कीम। Alright, other than this, we are going to discuss Arogya Path portal, which has been launched by CSIR. And other than this, we are going to discuss about the advisory, जो कि जारी की गई है for the exotic live species, उनके import के लिए. Alright, so let's begin with question number one. The Nature Index 2020 annual tables highlight the institutions and countries that dominated High quality research in the natural sciences in 2019 as tracked by the Nature Index. This database is based on the following subjects except. तो एक Nature Index 2020 launch किया गया है जो कि high quality research के बारे में है, और हमें ये बताना है कि ये जो database है ये कौन से subjects के ऊपर based है और इनमें से कौन सा वो एक subject नहीं है। Alright, so let us first discuss about this index. So a journal of science, that is the Nature Research, has released this index. एक साइंस की जर्नल है जिसका नाम है नेचर रिसर्च, उसने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। एंड दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019, राइट। एंड द पर्पस ऑफ दिस इंडेक्स इज टू प्रोवाइड अ डेटाबेस ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन एट द इंस्टीट्यूशनल, नेशनल एंड रीजनल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बेसिकली ये नेचर इंडेक्स क्या करता है, ये एक डेटाबेस प्रोवाइड कराता है ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आउटपुट एंड कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंड द टॉप कंट्रीज आर, नंबर वन इज एट यूएस, नंबर वन यूएस है, नंबर टू चाइना एंड एट नंबर थ्री इट इज जर्मनी। ओके, नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द रैंकिंग। सो देर आर वेरियस सेक्टर्स लाइक अकेडमिक, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर एंड एनपीओ और एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देर आर फोर सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड एंड दैट आर केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज। ऑलराइट, एंड इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें दैट इज 12th। ओके, एंड देर आर थ्री टॉप इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया विच आर CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, Indian Institute of Science and Tata Institute of Fundamental Research. Right, and now let us discuss about the Nature Index. So it is a database of author affiliation information collated from research articles published in an independently selected group of 82 high quality science journals. It is one indicator of institutional research performance. किसी भी institution का जो research performance है उसके लिए इसको एक indicator माना जाता है. And the Nature Index provides a close to real time proxy of high quality research output and collaboration at the institutional, national and regional level. And it is a part of Springer Nature, which is an American-German academic publishing company based in Germany. जो Nature Research है, जो कि journal है, वो part है किसका, Springer Nature का, जो कि एक American-German academic publishing company है Germany में. Alright, so this is about the Nature Index. And guys, this Nature Index से question आपसे directly पूछा जा सकता है कि Nature Index किसके बारे में है। अब क्योंकि यहाँ पे नेचर लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कहीं नेचर के बारे में तो नहीं है, बट गाइस इट इज अबाउट द रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, सो दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन वाज दिस डेटाबेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट। सो केमिस्ट्री इज देयर, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस इज देयर, लाइफ साइंस इज देयर, फिजिकल साइंस इज देयर, बिहेवियरल साइंस इज नॉट देयर। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट गाइस, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, बिहेवियरल साइंस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इश्यूड एन एडवाइजरी सेइंग पीपल इंपोर्टिंग एक्सोटिक लाइव स्पीशीज विल हैव टू मेक अ वॉलंटरी डिस्क्लोजर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी है उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास, जो कि एक्सोटिक लाइव स्पीशीज को इंपोर्ट करते हैं, उनको वॉलंटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोविजंस मेड अंडर द एडवाइजरी। गाइस, एक्सोटिक लाइव स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनको उनके नेचुरल इकोसिस्टम से हटा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, दीज आर नोन एज एक्सोटिक लाइव स्पीशीज। और मोस्ट कॉमनली ऐसा किया जाता है बाय द पीपल, बाय द ह्यूमन बींग्स, और इन सम केसेस ये नेचुरली भी होता है।
So exotic live species are those that are moved from their natural ecosystem to other place. And this guy, this handsome, we all know, is Mr. Prakash Javadekar. He is the Minister of Environment, Forest and Climate Change. All right. Now let us discuss about this advisory. This is very, very important. अगर हम यूपीएससी की या फिर स्टेट पीएससी की बात करते हैं, राइट? सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर इम्पोर्टेंट एंड पोजेशन ऑफ एक्सोटिक लाइव स्पीशीज इन इंडिया एंड इट हैज बीन डन टू कलेक्ट स्टॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ सच स्पीशीज थ्रू वॉलंटरी डिस्क्लोजर इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ. अगले छह महीने में जितने भी होल्डर्स हैं ऐसे स्पीशीज के, उनसे वॉलंटरी डिस्क्लोजर मांगा गया है ताकि स्टॉक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके. The move comes at the outbreak of coronavirus has raised global concern about illegal wildlife trade and zoonotic diseases. Okay, ये जो move है ये इसलिए आया because जो coronavirus है ऐसा माना गया है कि ये zoonotic disease है. Zoonotic disease वो diseases होती हैं that are transferred from animals to human beings. Okay, the diseases which are transmitted from animals to human are known as zoonotic diseases. So हम सब ने पढ़ा है कि जो कोरोना वायरस है क्योंकि वो बैट से आया है ऐसा माना जा रहा है कई स्टडीज द्वारा. सो उस जूनोटिक स्टडीज डिजीजेस को ध्यान में रखते हुए इस मूव को लाया गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज को इंपोर्ट कर रहा है या इन फ्यूचर करेगा तो उसको वॉलंटरी डिस्क्लोजर देना होगा. ओके, एंड द रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर द स्टॉक ऑफ एनिमल्स न्यू प्रोजेनी एंड एज वेल एज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सचेंज. ऑलराइट, अगर आपके पास एनिमल का स्टॉक है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नई प्रोजेनी है तब भी, और या फिर अगर इंपोर्ट और एक्सचेंज है उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. एंड व्हाट आर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन? सो द फ्रेज एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज इंक्लूड्स एनिमल्स नेम्ड अंडर द अपेंडिसेस 1, 2 and 3 ऑफ द साइट्स ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. जो साइट्स है यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज उसके अपेंडिसेस 1, 2 और 3 के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इंक्लूड किए जाएंगे इन द एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज. नाउ व्हाट आर दीज अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3? सो अपेंडिक्स 1 इंक्लूड दोज एनिमल्स जिनका कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता, नो ट्रेड हैपन्स. अपेंडिक्स 2 इंक्लूड दोज एनिमल्स इन विच ट्रेड कैन हैपन विद प्रायर परमिशन, वाइल इन अपेंडिक्स 3 देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच कैन बी ट्रेडेड. ओके, जिसमें ट्रेड करने की परमिशन भी नहीं लेनी होती. सो अपेंडिक्स 1 के एनिमल्स को की ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, अपेंडिक्स 2 के एनिमल की ट्रेडिंग की जा सकती है बट विद प्रायर परमिशन, वाइल अपेंडिक्स 3 में बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनकी ट्रेडिंग इजीली की जा सकती है. एंड व्हाट आर द एक्सक्लूजन? सो इट डज नॉट इंक्लूड दो स्पीशीज विच आर फ्रॉम द शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ऑलराइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल में जो भी एनिमल्स हैं उसको इसमें एक्सक्लूड रखा गया है. ओके, एंड जो डिक्लेरेशन है अगर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स दी जाएगी. ओके, मतलब जब से ये एडवाइजरी जारी हुई है तब से अगले 6 महीने के अंदर अगर कोई पर्सन डिक्लेरेशन दे देता है देन द डिक्लेरर वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंटेशन इन रिलेशन टू द एक्सोटिक लाइफ स्पीशीज इफ द सेम हैज बीन डिक्लेयर्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द एडवाइजरी. अगर एडवाइजरी के 6 महीने के अंदर अंदर डिक्लेरेशन कर दी जाएगी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर 6 मंथ्स द डिक्लेरर शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अंडर द एक्सटेंट लॉज एंड रेगुलेशन. 6 महीने के बाद जो भी डिक्लेरर होगा उसको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड व्हाट इज द मेथडोलॉजी? अ पर्सन ट्राइंग टू इंपोर्ट अ लाइव एक्सोटिक एनिमल विल हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू द DGFT अंडर द प्रोविजन ऑफ द एडवाइजरी. सबसे पहले जो भी पर्सन किसी लाइव एक्सोटिक एनिमल को इंपोर्ट कराना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर लाइसेंस टू द DGFT. इसके बाद द इंपोर्टर विल आल्सो हैव टू अटैच अ NOC ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन. इसके अलावा एक NOC देना पड़ेगा फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन. नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस एडवाइजरी? So it will help in better management of the species and guide the holders about proper veterinary care, housing and other aspects of well-being of the species. It will also help in control and management of zoonotic diseases on which guidance would be available from time to time to ensure safety of animals and humans. So basically, इससे एक better management बढ़ेगा species का और जो holders हैं उनको भी guide किया जाएगा about the veterinary care, housing and well-being of the species, और इसके अलावा जो zoonotic diseases है उनको भी control और उनको भी manage किया जा सकेगा.
Now, what was the need of the advisory? ये क्यों लाई गई? So this is because many citizens have kept sites enlisted exotic animal species in their possession. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो sites में enlisted exotic animal species है वो उनकी possession में है. However, there is no unified information system available of such stock of species. और जो वो possession में लोगों के animal species है उनकी कोई भी unified information available नहीं है. And other than this, these species are illegally trafficked into the country to avoid lengthy documentation and scrutiny. Documentation और scrutiny से बचने के लिए इन species का बहुत ज्यादा illegal trafficking भी किया जाता है. So this was the need of the advisory. Now let's move on to the question. So the question was, which of the following is not true about the provisions made under the advisory? So option A is, importer should obtain NOC from the chief wildlife warden of the state. Yes, this is absolutely correct. Exporters will have to submit an application for grant of a license to the DGFT. Yes. The animals named under the appendices 1, 2 and 3 of the sites of wild fauna and flora are included. Yes, absolutely correct. No documentation required for voluntary disclosure within 6 months of advisory issuing. Absolutely correct. So the correct answer should be option E. Documents required for disclosure after 12 months of the advisory issuing. No, it is after 6 months. 6 महीने के बाद documents दिखाने पड़ेंगे declarer को. So the correct answer is what, guys? Option E. Now let's move on to question number 3. Consider the following statements with respect to Sahakar Mitra scheme, which was launched by Ministry of Agriculture and Farmers headed by Narendra Singh Tomar. Narendra Singh Tomar is the Minister of Agriculture and Farmers, which aims at providing an opportunity to professional graduates to get experience in areas of functioning of NCDC, or we can say National Cooperative Development Corporation, and related aspects of cooperatives. Okay, so we have to find the statement which is incorrect. Okay, so NCDC, guys, it was established under NCDC Act of 1962. Okay, इसको 1963 में बनाया गया था. 1963 में under NCDC Act of 1962. Okay, and recently this Sahakar Mitra scheme has been launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar. Okay. And this scheme is in the vision of Atmanirbhar Bharat, emphasizing the importance of local for vocal, and it aims at providing an opportunity to professional graduates to get experience in areas of functioning of NCDC and related aspects of cooperatives. जो professional graduates हैं उनको opportunity provide कराई जाएगी ताकि उनको NCDC के functional areas में experience provide कराया जाए और जो भी cooperatives से related aspects हैं उन सब का experience उनको दिया जाए. And it would also provide an opportunity to professionals from academic institutions to develop leadership and entrepreneurial roles through cooperatives as farmer producer organizations. Okay, and it is an initiative by NCDC for young professionals, and it is expected to be beneficial for both. Dono ke liye beneficial hoga, cooperatives ke liye bhi aur young professionals ke liye bhi. How? Because jo cooperative institutions hai, they can access new and innovative ideas of young professionals. And the interns, मतलब कि जो young professionals हैं, that will they will gain experience of working in the field, giving confidence to be self-reliant. जो उनको जो field है, उसमें उनको experience मिलेगा, work experience मिलेगा. And who are eligible for this program, for this scheme? Professional graduates in disciplines such as agriculture and allied areas, IT, etc. And those professionals who are pursuing or have completed their MBA, MCom. MCA, Inter ICAI और Inter ICWA. जो CA का Inter है या CWA या फिर CMA का जो Inter में है अभी, वो professionals भी इसमें include किए जा सकेंगे. And the duration of the internship will not be exceeding 4 months. And for financial support, NCDC has designated funds for the paid internship program, under which each intern will get financial support over a 4 month internship period. जो भी NCDC है उसके पास designated fund है for this internship program, जिसके तहत जो भी इंटर्न होगा उसको 4 महीने तक के इंटर्नशिप पीरियड के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट वन इज, द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ. नो गाइज, इट इज 4 मंथ. ड्यूरेशन इज लेस देन 4 मंथ. स्टेटमेंट टू इज, प्रोफेशनल हु आर प्रस्यूइंग इंटर ICAI एंड इंटर ICWA आर ऑल्सो एलिजिबल. यस, it is a paid internship program. Yes, so therefore the correct answer will be what?
ऑप्शन ए ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ओनली स्टेटमेंट नंबर वन इज इनकरेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर. विद द लॉन्च ऑफ दिस प्लेटफॉर्म NHAI becomes first construction sector organization to go fully digital. It will enhance transparency as all officers and stakeholders connected with the project can see what is going on real-time basis, which will amount to concurrent performance audit by the seniors. एक platform launch किया गया है जिसकी मदद से NHAI जो है पहला construction sector organization है जो कि fully digital हो गया है. हमें उसी program का उसी platform का नाम बताना है. So guys, रिसेंटली NHAI NHAI which works under Ministry of Road Transport and Highways headed by Nitin Gadkari, his Lok Sabha constituency is Nagpur, the city of oranges, has gone fully digital with the launch of platform and the name of the platform is Data Lake and Project Management Software. Data Lake and Project Management Software, which are unique cloud based and artificial intelligence powered big data analytics platform. Basically ये cloud based और AI powered डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है एंड ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रेक्चुअल डिसीजंस एंड अप्रूवल्स आर नाउ बीइंग डन थ्रू दिस पोर्टल ओनली. राइट, एंड विद एडवांस एनालिटिक्स द डेटा लेक सॉफ्टवेयर विल फोरकास्ट द डिलेज लाइकली डिस्प्यूट्स एंड विल गिव एडवांस अलर्ट्स एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में चल रहे हैं. नाउ व्हाट वॉज द नीड ऑफ दिस डेटा लेक. So, NHAI के पास हिस्ट्री है ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन केसेस पेंडिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स. सो देयर NHAI के पास काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जिसके तहत बहुत सारे आर्बिट्रेशन केसेस हैं पेंडिंग है विद ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स. दीज डिस्प्यूट्स कैन बी मिनिमाइज्ड एज द डेटा लेक सॉफ्टवेयर हैज प्रोविजंस टू कीप ट्रैक एंड चेक ऑन ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स and will ensure work is carried out within the deadlines in a transparent manner. सारा का सारा जो work है वो transparent manner में होगा, within the deadline होगा, ये सारा check रखा जाएगा through this data lake and the complete project documents and correspondences will be stored in data format in the cloud-based data lake. सारा का सारा project documents भी इसके अंदर store हो जाएगा. So after this, NHAI will be the only construction company that will become fully digital. So the name of the above mentioned program, guys, is option B, Data Lake. Option B, Data Lake is the correct answer. Now let's move on to question number 5 and the last question for today. The CSIR launched the portal Arogya Path on June 12, 2020, which aims to provide real-time availability of critical healthcare supplies. Who is not benefited by this portal? So let us discuss about this portal, guys. Okay, so recently CSIR has launched this portal on June 12 and CSIR National Healthcare Supply Chain Portal Arogya Path has been launched on June 12, 2020. Pura jo naam hai iska CSIR National Healthcare Supply Chain Portal Arogya Path. Isko launch kiya gaya June 12 ko. It aims to provide real-time availability of critical healthcare supplies and its vision is to set up information management and forecasting databases platform at national level. Basically jo critical healthcare supplies hai uski real time availability ke liye ye isko banaya gaya hai and it will capture demand and supply scenarios for key healthcare items which are necessary for national needs. Jo bhi healthcare items hai, key healthcare items hai, zarurat ke healthcare items hai, unki demand and supply ko ye check pe ye check rakhega. Okay, and it would serve manufacturers, suppliers, importers, exporters and customer and will also focus on enhancing the ability to produce and deliver critical items. It will also alert the manufacturers about overcapacity and looming shortages. Agar koi overcapacity hoti hai ya fir koi shortages hoti hai to uske bare mein bhi ye manufacturers ko alert kar dega. And what are the future aspects of this portal? So it will create opportunities for business expansion due to an expanded slate of buyers and visibility of new requirements for products, and it would also help in reducing wastage of resources by giving a medium to cut down on inefficient forecasting and excess manufacturing. Jo bhi excess manufacturing hai ye usko cut down karne mein help karega, thereby reducing the wastage. All right, so now what was the question? Who is not benefited by this portal? So manufacturer, supply, customer, importers. So guys, ऑप्शन ई ऑल आर बेनिफिटेड विल बी द करेक्ट आंसर. इसके द्वारा सभी को बेनिफिट मिलने वाला है, ऑल आर बेनिफिटेड.
Okay, so guys, that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.